अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक। ओके, तो हम लोगों ने अपने लेक्चर में लास्ट टाइम सारा जेंडर डिस्कस करते हुए डिफरेंट चीज़ें देखी थी, जैसे कि हमने ऑर्डर्स कैसे मैनेज करने हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स कैसे देखनी हैं, और यहाँ पर जो ऑर्डर रिपोर्ट्स हैं वो कैसे देखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और बहुत अच्छी और बहुत मज़े की चीज़ होती है जिसे बिज़नेस रिपोर्ट्स कहते हैं। क्या आपने फाइनली चेक करना है कि मेरा बिज़नेस किस तरीके का चल रहा है, और उसके लिए मुझे रिपोर्ट्स जो हैं वो उसका पूरे का पूरा एक रिकॉर्ड मिल जाए। तो वो आपने रिपोर्ट्स के सेक्शन में ये जो है इसके नीचे आकर यहाँ पर आपने बिज़नेस रिपोर्ट पे क्लिक करना है। दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू बी लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं इसके ऊपर ध्यान दूँ। मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर आपको बाकायदा लिख कर जो है वो शेयर भी कर दिया है, ठीक है, सेशन के बारे में और व्यूज़ के बारे में आप ग्रुप चेक कर लें। और इसके अलावा मैंने एक डायग्राम भेजी है जिसमें मैंने लिखा था रिपोर्ट्स के बाद आपने बिजनेस रिपोर्ट्स, उसके बाद आपने बाय एसिन पे क्लिक करना है और आपको डिटेल्ड पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम नज़र आएगा। तो मैंने स्टेप्स को ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है और मैंने पेरेंट एसिन और चाइल्ड एसिन के बारे में भी तस्वीर भेजी है, डबल चेक। अब मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली दिखाती हूँ। रिपोर्ट्स में आकर जब आपने बिजनेस रिपोर्ट्स पे क्लिक किया जो मैंने डायग्राम में बताया, उसके बाद आपने बाय एसिन ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये बाय एसिन वाले ऑप्शन में आना है, और इसके बाद इसके नीचे आपने डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम इस सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपकी पूरी की पूरी एक बिजनेस रिपोर्ट शो हो जाएगी, ठीक हो गया। उसमें यहाँ पे चाइल्ड पे सॉरी पेरेंट एसिन और चाइल्ड एसिन है जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ इमेज में ग्रुप में, आप एक दफ़ा बता देती हूँ दोबारा। पेरेंट एसिन तो वो हो गया जब आपने अपनी प्रोडक्ट अपलोड की तो अमेज़ॉन ने उसको एक एसिन दे दिया, राइट। अब उसके बाद आपने कोई वेरिएशन ऐड की, फॉर एग्जांपल अगर किसी चीज़ का कलर पिंक और ब्लू था तो जो मेन प्रोडक्ट है उसका तो आपको एक एसिन मिल गया। अब आपने उस ब्लू के साथ पिंक की वेरिएशन ऐड करनी है तो जो पिंक है उसको जो अमेज़ॉन एसिन असाइन करेगा दैट विल बी योर चाइल्ड एसिन, ठीक है। एसिन दैट इज़ गिवन बाय अमेज़ॉन टू द वेरिएशंस ऑफ वन मेन प्रोडक्ट। आई रिपीट, एसिन गिवन बाय अमेज़ॉन टू द वेरिएशंस ऑफ वन मेन प्रोडक्ट इज़ द चाइल्ड एसिन। पेरेंट एसिन इज़ द मेन एसिन जो कि आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट का होता है, चाइल्ड एसिन उसके नीचे आता है, और सारे चाइल्ड एसिन एक पेरेंट एसिन के अंडर होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपको पेरेंट एसिन चाइल्ड एसिन शो करेगा अगर तो वो चाइल्ड एसिन है। उसके बाद आपने नीचे आना है, मैंने आपको यहाँ सेशंस की बात बताई है कि मैंने आपको भेजा है सेशन के बारे में भी लिख के ग्रुप में, एंड दैट इज़ सेशन का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स विद इन 24 आवर्स कितने नंबर ऑफ़ टाइम्स एक पर्सन ने आपके प्रोडक्ट पेज को विजिट किया है, ठीक है। और सेशन जो है वो आप उसे एक ही काउंट करोगे, यानी कि 24 घंटों में अगर कोई पर्सन आपकी प्रोडक्ट के उस पेज के ऊपर आता है, मतलब 6 दफ़ा 7 दफ़ा 8 दफ़ा, तो वो सेशन एक ही काउंट होगा। 24 घंटों में वो 1000 दफ़ा भी आपके प्रोडक्ट पेज पे आए, ठीक है, जैसे हम करते हैं, मेरे को चीज़ अच्छी लगती है हम बंद कर देते हैं, फिर हम सोचते हैं यार चेक कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है ये, फिर हम दोबारा उसको फिर ओपन करते हैं। तो ये पीछे बैक एंड पे टोटल सेशंस काउंट होंगे, कितनी दफ़ा वो बंदा आपके पास आया है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ नोट करने वाली होती है वो होते हैं पेज व्यूज़। पेज व्यूज़ में उस पर्सन ने उस आपकी ये जो यहाँ पर शो हो रहा होगा कि इस प्रोडक्ट का जो है पेज व्यू ये है, मतलब कि उसने आपकी प्रोडक्ट को इतनी दफ़ा ओपन करके देखा है, एंड टोटल नंबर ऑफ टाइम्स एक बायर विजिट योर प्रोडक्ट पेज, दैट विल ऑफ कोर्स वेरी, क्योंकि सेशन तो 24 घंटों में एक ही होगा, लेकिन हो सकता है कि उसने 25 दफ़ा विजिट किया हो, तो नंबर ऑफ़ व्यूज़ चेंज हो जाएंगे। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि प्रोडक्ट में थोड़ा सा दम है लेकिन बिक नहीं रही है, तो आप उस एंगल से चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा एनालाइज करना शुरू करते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे जो है वो सेशन परसेंटेज टोटल, ठीक है, और यूनिट सेशन परसेंटेज। यूनिट सेशन परसेंटेज के अंदर बेसिकली आपका ये आएगा कि मतलब कितनी कन्वर्जन रेट आपका यहाँ पे हो रहा है, बाकी ये इतना ज़्यादा टेंशन में नहीं होता, मतलब इतना गौर करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये है कि आपके टोटल ऑर्डर्स कितने में वो आपको सारे शो होते जाएंगे, ठीक है। और लेकिन मेन आपका पेज का आपको उससे आइडिया होता है कि कितनी कितने लोग मेरी इस जो प्रोडक्ट है आए हैं, मतलब एक बंदे ने 2 दिन में देखा है, 3 लोगों ने, 50 लोगों ने, 60 लोगों ने, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया होता है। तो ये बेसिकली होता है बिजनेस रिपोर्ट को चेक करना सिर्फ यहाँ से, ठीक है। बाकी सेलर परफॉर्मेंस जो है वो और बाकी डिटेल पे सेल्स और ये सारी चीज़ें नहीं, बल्कि आपने सिर्फ डिटेल पे सेल्स भी देखना होता है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू गिव यू ऑल इन्फॉर्मेशन। बाकी ये डेट्स यहाँ पर बेशक सेट कर लीजिएगा कि जी मुझे 9 तारीख से लेकर, तो मुझे जो है मतलब सपोज करें आपने 9 डेट थी तो मैं 2 दिन का देखना चाह रही हूँ या 3 दिन का कि क्या मेरी एक परफॉर्मेंस रही है, तो वो उस तरह आपको वो सारे का सारा जो है वो नज़र आ जाता है।
ठीक है, तो दैट दैट वाज ऑल अबाउट योर बिजनेस रिपोर्ट्स।